हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार सेल सिमुलेटर। गाइस पिछले वाले एपिसोड में हम लोग ने बहुत कम कम कार बेची थी, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ बहुत ज़्यादा कार खरीद के सेल करने के लिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइस। और हम लोग ने एक दिन ऑफिस क्या बंद किया, लोगों ने यहाँ पर डस्टबिन फेंकना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर ये डस्टबिन को रख देते हैं, और इसके रखने के बदले मेरे को पैसा मिलता है गाइस, तो ये अच्छी बात है। अभी हम लोग का ऑफिस खुल गया और पूरा क्लीन भी हो चुका है, तो हम लोग सीधे चलते हैं नेबरहुड, वहाँ से चल के हम लोग गाड़ियाँ ख़रीदने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग वहीं पे गाइस गाड़ियों को परचेस करने के लिए, क्योंकि कार मार्केट ओपन नहीं है और कार ऑक्शन भी ओपन नहीं है, तो हम लोग को वहीं पर कार ख़रीदना पड़ेगा। और मेरे को सामने कार दिख रही है, देखते हैं कि ये कितना महंगे मिलेगी। मेरे पास उतना ज़्यादा डॉलर नहीं है गाइस, और ये देख सकते हो इसका एक बार चेहरा देखो गाइस, कैसे कर रहा है ये अपना मुंह गाइस। इसका हाथ अभी जस्ट इसने हाथ हिलाया गाइस, लेकिन अभी मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। मेरे पास 7,500 डॉलर है, तो इतना में हम लोग इतनी महंगी महंगी कार तो नहीं खरीद सकते गाइस, ये तो अपने बजट से बाहर है। हम लोग इसको देखते हैं, आई थिंक मैं इसको खरीद लूँ तो सही है, वरना दूसरा गाड़ी हम लोग खरीदेंगे। एक बार ही देखते हैं कि ये कितना का दे रहा है गाइस, ये 10,000 का दे रहा है, अपने बजट से बाहर है। सामने में एक कार है गाइस, वो आई थिंक हम लोग खरीद सकते हैं, ये खरीद लेंगे तो अच्छा रहेगा, और इस बुढ़िया का थोड़ा भला भी हो जाएगा गाइस। इसका एक बारी बुढ़िया का मुंह देखो कैसा हो गया है इस खटारे गाड़ी को लेके। बारगेनिंग का ऑप्शन नहीं आया, तो हम लोग इसको सीधे बाई कर लेते हैं, और बाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस कार को सीधे वहाँ पर अपने जगह पे भेज देते हैं। आई थिंक वो चला गया कि एक बार ही देखते गाइस, अभी तो नहीं गया, मैंने पैसे तो दे दिया था लेकिन अभी गया नहीं है। हम लोग क्या करें, ऐसे करने पे ये तो पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन जाएगा कैसे, हम लोग भेज दिए, अभी को गया, मेरे को लगा वो जाएगा नहीं क्या। अभी गाइस चलते हैं यहाँ पर, इस गाड़ी को भी देखते हैं कि ये गाड़ी एक बार ही देखते हैं, और ये देख सकते हो बुगाड़ी वगैरह सब कुछ है। मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है कि मैं खरीदूँ, यहाँ पर देख सकते हो, इससे बात करते हैं और ये देखते हैं कि ये मेरे को गाड़ी कितना में देती है गाइस। ये 7,699 डॉलर में दे रही है, उतना मेरे पास डॉलर ही नहीं है, ये मुंडी भी ला रही है गाइस, नहीं खरीदेंगे इसका गाड़ी क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। हम लोग सीधे चलते हैं अपने ऑफिस में और उस गाड़ी को रिपेयर करवा के सेल करेंगे। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर मेरी कार है जो कि रिपेयर होने के लिए वेट हो रही है, क्योंकि इस कार में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है गाइस। हम लोग ये गाड़ी एकदम अच्छा खरीद ली, अभी चलते क्या करते हैं, हम लोग कार के अंदर बैठ के इसको पेंट करवाते गए। पेंट करवाने के बाद शायद महंगा बिचे, तो हम लोग जल्दी से इसको पेंट करवाने के लिए पेंट वाले शोरूम में चलते हैं। और ये गाड़ी देख सकते हो गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है देखने में, काफ़ी लुक वाइज वाइट कलर की अच्छी लग रही है। हम लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं और पीछे करके इसको सबसे पहले पेंट करवाते गए। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं, अभी इसको पेंट करवाते हैं। सबसे पहले तो मैं कार से निकलता हूँ, और कार से निकलने के बाद इससे बात करके हम लोग पेंट करवाते गाइस। इसको पेंट करवाने में मेरे को बहुत ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा, लेकिन पेंट तो करवाते गाइस। ये रेड कुछ अच्छा लग रहा है, या फिर मैं ये वाला कलर करवाऊँ गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम लोग ये वाला कलर करवा देते हैं। अभी देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये महंगे दाम में बिचेगा अभी, तो हम लोग सीधे इसको ले कर चलते अपने शोरूम पर और इसको सेल पर लगाते गए। बहुत ही महंगा प्राइस करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग महंगी महंगी गाड़ी खरीद सके, तो इसलिए हम लोग इसको महंगे पे बेचेंगे ताकि हम लोग दूसरी गाड़ी अच्छा वाला खरीद सके। इसको ब्रेक लगाते हैं, इंजन को बंद करते और बाहर आते गए और चलते इसको सेल पे लगाते हैं। हम लोग का शोरूम तो ओपन ही है, मैं सुबह ही ओपन करके गया था, और अभी इसको सेल पे लगाते हैं। कंप्यूटर के पास आ गए गाइस, इसको मैं सोच रहा हूँ कितना का लेके आया था, एक बारी मैं देखता हूँ गाइस। इसको मैं मतलब टोटल 3,000 का लेके आया था, मैं इसको 6,000 करने वाला हूँ। आई थिंक 6,000 में ये बिक जाएगी, तो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे वाली चीज़ होगी गाइस, क्योंकि मेरे को दूना प्राइस मिल रहा है। और एक बारी देखो तो गाइस कैसा लुक आ रहा है इसका, काफ़ी यूनिक लुक आ रहा है, मैं दूर से दिखाता हूँ गाइस एक बारी। पीला कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में भी, और अच्छी लगेगा क्यों नहीं गाइस, जो कि हम लोग ने ये किया है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि कौन सा कस्टमर आएगा इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए, उसके बाद हम लोग दूसरी गाड़ी ख़रीदने के लिए जाएंगे। एक बारी देखते हैं कौन आ रहा है गाइस, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ,
लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। अभी मेरे को थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, मैं बहुत देर वेट करने के बाद एक कस्टमर आ रही है, आई थिंक जिससे मैं गाड़ी खरीदा था वही है क्या। इससे बात करते गाइस कि ये मेरे को कितना दे रही है इस कार के। मैं इसमें 6,000 लगाया था, ये मेरे को कुछ ज़्यादा ही दे रही है। बार्गेनिंग का ऑप्शन आता तो मैं बार्गेनिंग करता गाइस, लेकिन कर भी क्या सकता। ये मेरे को $600 ऑलमोस्ट दे रही है गाइस। मैं इसको सेल कर देता हूँ गाइस, सेल कर देता हूँ। इतना डॉलर मिल रहा है तो सही बात है। हम लोग दूसरी गाड़ी अभी खरीदने चले, या फिर हम लोग एक बारी शो के आए गाइस, दूसरी गाड़ी खरीदने चलेंगे तो अपने कार मार्केट ओपन रहेगा, कार मार्केट में हम लोग खरीद सकते हैं। फिर से हम लोग चलते हैं गाइस नेबरहुड, और वहाँ पर चल के देखेंगे गाइस। मेरे को जाना चाहिए था वहाँ पे, जाना चाहिए गाइस मेरे को। एक नाइट बार है, मैं वहाँ पे चलता हूँ। आई थिंक वहाँ पे जाने के बाद मेरा पैसा डबल हो सकता है। तो हम लोग चलते हैं सीधे नाइट बार, वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा। हम लोग आ तो चुके हैं और यहाँ पे बार स्टार है गाइस, तो हम लोग वहीं पे चलते हैं और जुआ खेलते हैं। एक तरह से जुआ है गाइस। हम लोग कहाँ बैठे, यहाँ पे बैठ सकते हैं क्या, एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैं बैठ नहीं सकता, कहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ गैस। यहाँ पे तो मेरे को बैठने का अलाउ ही नहीं है क्या, मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। बैठता तो गैस यहाँ पे ज़रूर खेलता, और यहाँ पे गैस आई थिंक मैं बैठ सकता हूँ क्योंकि ये अकेले है। तो एक बार इससे बात करें या फिर कैसे करें, हम लोग खेल कैसे सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिर्फ दारू ही मिलती है। तो गैस लगता है मैं गलत जगह पर आ गया, मेरा यहाँ पर $20 बर्बाद हो चुका है। आई थिंक मैं यहाँ से टिकट खरीद सकता हूँ क्या, कुछ नहीं खरीद सकता गैस। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, हम लोग क्या करें। मैं यहाँ पे $1,500 में कुछ कर सकता हूँ गाइस। अभी मैं ख़रीद तो लिया, अभी मेरे को क्या काम है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है गाइस। यहाँ पे क्या किया मेरा, यहाँ पे पैसा वेस्ट होगा क्या। आई थिंक यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। बाई अ बियर गाइस, मैं बियर भी बाई कर लिया, अभी क्या करूँ। यहाँ पर मैं बैठ सकता क्या, यहाँ पर वगैरह वगैरह गाइस। मैं बियर भी बाई कर लिया लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। आई थिंक मैं अंदर जाने के बाद कुछ काम होगा। यहाँ पे है गाइस, हम लोग खेल सकते हैं। तो मेरे को खेलना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है गाइस। यहाँ पे हम लोग का जो ताश है वो हो चुका है। हम लोग हिट करते हैं गाइस, देखते हैं क्या होता है। अभी स्टैंड करते हैं, आई थिंक मैं जीत चुका हूँ क्या गाइस। मेरे को लॉस गाइस, यहाँ पे तो मैं पूरा हार चुका हूँ गाइस। ये मैं नहीं खेलने वाला हूँ, मैं पूरी तरह से हार जाऊँगा गाइस। मेरे पास इतना डॉलर है कि मैं एक गाड़ी खरीद सकता हूँ। तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने शोरूम पे, और वहाँ पे जाके हम लोग कुछ सोचेंगे गाइस। मेरे पास डॉलर ही नहीं बचा, मैं तो जुआ में हार गया। चलते हैं गाइस अपने शोरूम के पास, देखते हैं अभी क्या होता है गाइस। अभी मेरा एक स्किल पॉइंट अनलॉक हो चुका है, यहीं से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है गाइस। यहाँ पर हम लोग चलते हैं ऑफिस। हम लोग तो आ चुके हैं अपने ऑफिस के पास, और हम लोग ने आज पूरा पैसा हार चुके हैं। तो हम लोग ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा है गाइस कमेंट में बता दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।